भुक्त्वा भोगानस्तविष्टान् पुनरभिधीषसमुभाषितान् कामयज्ञान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुम् मायया भोजयन्नो माया सङ्ख्यातुलीयम् परमम् मृतमजम् अथर्ववेदीय मांडू को कायिका का विचार करते हुए अभी हम लोग आगम प्रकरण में, आगम मतलब जिसको केवल श्रुति के आधार पर ही निर्णय किया गया, जगत की मतलब उत्पत्ति होना संभव नहीं है, श्रुति के आधार पर, श्रुति वाक्य के आधार पर निर्णय हुआ, उसको आगम प्रकरण बोलते हैं। और आगम प्रकरण के बाद आता है वैतथ्य प्रकरण। अब द्वितीय में क्या हो गया, वैतथ्य प्रकरण में लॉजिकली इसको समझेंगे, श्रुति वाक्य को सारा लेकर श्रुति वाक्य में कैसा युक्ति लगाना वो दिखाएंगे। जो सामने दिखाई दे रहा है वही वस्तु जब मिथ्या सिद्ध करते हैं तो अधिष्ठान भी मिथ्या हुआ, तब बोलते नहीं नहीं अधिष्ठान पारमार्थिक सत्य है, इसी को दिखाने के लिए अद्वैत प्रकरण आया हुआ है। अब अनाथ शांति प्रकरण ये है कि जगत दिखने के हेतु क्या है उसको दिखा करके यदि हम उसको शांत कर सकते हैं तो जगत देखने बंद बंद हो जाता है। बस इतने चार प्रकरण के माध्यम से जगत की बोध पता चलते प्रतिपादन करते हैं। अभी हम लोग मतलब आगम प्रकरण के नौवा जो कारिका आया हुआ है, पहले से ये दिखाया कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन स्थान है। तो भगवान भाष्यकार बड़े दृष्टांत देकर के समझाया, एक मायावी जादूगर, तो मायावी जादूगर अपना धागा को इसे ऊपर फेंकता है, फेंकने के बाद वो ऊपर चढ़ जाता है, किसके साथ लड़ाई झगड़ा भूत होता है, हाथ तलवार कुवाल लेकर के ऊपर जाता है, वो जगह त्याग लेकर के, फिर जो है लड़ाई झगड़ा के फलस्वरूप कहीं हाथ कट गया, कहीं पैर कट गया, कहीं सर कट गया, अलग अलग कट गया, फिर उसके बाद जो उठकर खड़ा हो जाता है बोलता है देखो मैं हूँ। इसको यहाँ पे समझाया, ये जो सूत्र प्रसाद सम हो गया हमारा जागृत स्वप्न सुषुप्ति की तीन अवस्था, और उसमें चढ़ने वाला हो गया प्राज्ञ तेजस और विश्व, ठीक है ना, उसमें इस प्रकाश को चढ़ने वाले हैं। परंतु जो तुरीय है इससे भिन्न सर्वथा असंग माया छन्न है ना, वहाँ पर जाकर जादूगर तुम नहीं दिखाई देता है क्योंकि वो अपने को माया के तरह अच्छा दिख करता है। इसी प्रकार ये माया छन्न मतलब नाम रूपा छन्न तुरीय उसमें समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता है। परंतु जैसे ही धीरे धीरे मन शांत होता है नाम रूप से सत्य तो बुद्धि मिट जाता है, तो तुरीय अवस्था मतलब पारमार्थिक सत्य अवस्था वो अनुभव में आ जाता है। तो यहाँ पे पहले दिखाया सृष्टि के उपादान क्या हो सकता है, सृष्टि कैसे हुई, तो उसको लेकर कई विकल्प करते हैं, समझाते हैं। कोई कहते हैं भगवान अपनी विभूति को दिखाने के लिए सृष्टि किए, और कोई कहते हैं कि भाई स्वप्न माया, जैसे स्वप्न में वस्तु दिखाई देता है माया में इस प्रकार वस्तु दिखाई देते हैं, कोई कहता है कि नहीं ये इच्छा मात्र से प्रभु अपना सृष्टि कर लेते हैं, कोई कहता है काल से सृष्टि होता है, इस प्रकार से अलग अलग वादियों के अलग अलग सृष्टि कैसे हुई उसको लेकर के सृष्टि चिंतका। भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि तत्व चिंतन करने वाले व्यक्ति सृष्टि चिंतन में अधिक आदर नहीं देते, सृष्टि के सहारे ही तत्व चिंतन करने पर सृष्टि में आदर नहीं देते, सृष्टि के अंदर क्या तत्व है उसको उसको मतलब विचार करके निर्णय करके उसको अनुभव करने का प्रयास करते हैं। एक हो गया सृष्टि कैसे हुई, दूसरा हो गया क्यों हुई, बनाया कैसे और क्यों बनाया, उसको लेकर के कुछ वादी ऐसे बोलते हैं। कोई कहते हैं मुख्य रूप से चारवा अथवा कर्म सिद्धांत तो मानने वाले भोग के लिए ही सृष्टि है, भोगार्थम सृष्टि रीति अन्य क्रियार्थम इति चापर, भगवान अपनी लीला के लिए सृष्टि को बनाते हैं, विशेष करके भक्त लोग जो द्वैतवादी भक्त लोग है, निम्बाचार्य रामानुजाचार्य मध्वाचार्य को जो है ऐसे ही मानते हैं कि भगवान भगवान की लीला भूमि है, लीला करने के लिए यहाँ पे आते हैं, इसलिए सृष्टि को बनाए। और वेदांती बोलता है ये देव माया शक्ति से अपनी एक जगत को रचता है, परंतु पारमार्थिक वेदांत सिद्धांत है बस ये सृष्टि होना संभव नहीं, हम तो काम से काश भी नीचे की लाइन का अन्वय कैसे होता है,
कौन सा देवस्य एष 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 स्वभाव हाँ अयम एष ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देवस्य एष स्वभाव अयम इस देवता का ये स्वभाव है सृष्टि करना मतलब माया से खेल करना माया खेल करना ये उनका स्वभाव है। ये किसका मत है नीचे की लाइन किसका ये है? ये हमारी वेदांत का ही मत है वेदांत माया यदि आपको सृष्टि दिखता है तो माया माया दिखता है और पारमार्थिक वेदांतिक मत है सृष्टि हुई ये हमारा ऊपर की मत है हमारा अंदर की मत है कि सृष्टि हुई नहीं तो देवस्य एषो स्वभाव अयम है ना एषो अस्य स्वभाव है ना अस्य देवस्य एषो स्वभाव अयम मतलब यही स्वभाव है कि माया से खेल लीला करना तो बोला ना क्रीडा क्रीडार्थम खेलना और इस प्रकार से जो है कि अन्य हमारी ही मतलब भिन्न भिन्न वादियों को मत को संक्षेप में कह के विस्तार से बोलेंगे आगे परंतु तो हमारा मुख्य सिद्धांत आप तो काम हो चुका स्पीला है ना जो पूर्ण काम है उसको तो कोई इच्छा हो ही नहीं सकता ना सृष्टि के पीछे कोई उपादान है और ना सृष्टि के पीछे कोई कारण हो सकता है कारण हो सकते हैं। अब देखिए आप खेलने की इच्छा कब करते हैं बताइए कोई काम करते करते जब मन उब जाता है तब चलो थोड़ा खेल के आते हैं भगवान में तो ऐसा कोई उबने का बात ही नहीं है तो खेलने के लिए भी क्यों रचेगा कई चीज़ अब थोड़ा सामान्य विचार करेंगे तो ये जो है सामान्य व्यक्ति को समझाने के लिए ठीक है परंतु पारमार्थिक तत्व चिंतक में सृष्टि में आदर नहीं है। कल देखिए हमने कहाँ तक पढ़ते इसके को एवं स्वभावी यथा तथा व अस्तु सृष्टि तस् अस्तु किम प्रयोजन सृष्टि ठीक है किसी प्रकार से सृष्टि हो गया कोई बात नहीं परंतु उसका प्रयोजन क्या है इति अत्र विकल्प दाय महावीर विषय में दो विकल्पों को दिखाते हैं एक बोलते हैं भोगार्थ सृष्टि एक कहता है क्रियार्थ सृष्टि। भोगार्थ सृष्टि हमारे चार भाग आदि अथवा कर्म फल को मानने वाले और सिद्धांत वाले और जो भगवान की लीला भूमि मानते हैं वो लोग क्रीडार्थ बोलते हैं इस प्रकार से अलग अलग वादियों का मत है। वेदांतिक क्षेत्र में माया से प्रतीति मात्र होते हैं और पारमार्थिक सृष्टि होना संभव ही नहीं है। सिद्धांत महासिद्धांत पक्ष क्या बोलता है देव शेष स्वभाव अयम ठीक है ये स्वभाव क्या वस्तु होते हैं स्वभाव नाम इति उच्यते नैसर्गिक अपरोक्ष माया शब्दार्थ तथा ठीक है ना ये हमारे वेदन स्वभाव किसका स्वभाव किस बला का नाम है स्वभाव किसको बोलते हैं देखो नीचे टिप्पणी दिया है अनादिशिद्ध एक नंबर टिप्पणी है अनादिशिद्ध मतलब बिना किसी प्रयास से जो सिद्ध होता है अपने आप सिद्ध होता है वो जो प्रतीति होती है इसके अनादिशिद्ध एक नंबर टिप्पणी होता है कौ स्वभाव नाम इति उच्यते नैसर्गिक और ये कौन किसको समझ में अपरोक्ष प्रत्येक जीव को अपने अज्ञान समझ में आता है और उससे पूछो कब से आया अज्ञान बोले क्या मालूम पता नहीं इसलिए बोलते नैसर्गिक अनादिशिद्ध मतलब जिसका आदि को पता नहीं लगाया जा सकता है ना और ये अपरोक्ष रूप अनुभव में होता है आपको समझ में आता है कि हमें अज्ञान है आत्म स्वरूप संबंधित ज्ञान नहीं है यही माया शब्द अर्थ ये अज्ञानी को ही माया शब्द के द्वारा बोला गया मतलब अज्ञात ब्रह्म ही सृष्टि के हेतु है अज्ञात ब्रह्म मुक्ति के हेतु है बस इतना ही है माया नामक कोई अलग वस्तु नहीं है माया उसी कुछ को माया बोलते हैं माया शब्दार्थ तथा उसी को मन में रखते हुए कि अयम स्वभाव ठीक है ना अयम स्वभाव सर्व पक्षानाम अपवादम सूचयती कार्य का कार्य जितने सारे पक्ष दिया सृष्टि के विषयों का अर्थ मतलब क्यों और कैसे ये दोनों के अपवाद कर देते हैं क्यों और कैसे दोनों के निराकरण कर देते हैं कैसे अब तो काम काश्पी है ठीक है ना पूर्ण काम व्यक्ति के कैसे इच्छा हो सकता है ये होना संभव नहीं है। ठीक है देवस्य परमेश्वरस्य स्वभाव सृष्टि इति स्वभाव पक्ष नैसर्गिक माया विनिर्मिता सृष्टि इति मतम सिद्धांतत्वेन अस्तित्व चतुर्थ पादेन दूषणम् उच्यते। देखिए ये वेदांतिक सिद्धांत सामान्य सिद्धांत है गहरा सिद्धांत नहीं है बोलते हैं देवस्य मतलब देवस्य का अर्थ क्या कर दिया परमेश्वरस्य परमात्मा का स्वभाव सृष्टि उसका सृष्टि करना उसका स्वभाव है क्योंकि जिस व्यक्ति को सृष्टि करने में कोई खर्चा नहीं करना पड़ता अपना कुछ बस मजा करने के लिए बैठ बैठ कल्पना करनी इसका स्वभाव है ये तो होगा स्वभाव सृष्टि रीति स्वभाव पक्ष स्वभाव पक्ष को नैसर्गिक माया विनिर्मिता सृष्टि से क्या अर्थ किया
अनादि अनादि अज्ञान के द्वारा ये सृष्टि प्रतीति होती है। अनादि अज्ञान से नैसर्गिक मतलब क्या बोल दिया था, अनादि सिद्ध, ठीक है ना। माया मतलब पारमार्थिक में या माया मतलब प्रतीति मात्र है, इसके द्वारा विनिर्मित मतलब उसे सृष्टि क्या विनिर्मित सृष्टि इति मतम सिद्धांतित्व सिद्धांतत्व अस्तित्व इस मत को सिद्धांत पक्ष के रूप में मान्यता दे करके मांडू को कार्य का उसको भी दूषित करते हैं, बोलते हैं कैसे हो सकता है, अब तो काम हो चुका है क्या। वेदांति की सिद्धांत भी पारमार्थिक नहीं है, ये तो ठीक है विचार करके जगत को देखने के समझने के लिए तत्व को समझने के लिए, तो मुख्य सिद्धांत तो जो चतुर्थ पाद है ना दूषण मुच्चन, चतुर्थ पाद क्या है अब तो काम हो चुका क्रिया, उसके द्वारा इसको दूषित करते हैं। अब आइए भाष्य में, भोगार्थम क्रीडार्थम इति च अन्य सृष्टि मन्यन्ते। कोई कहते हैं जीव की कर्मफल भोगने के लिए सृष्टि किया गया भगवान के द्वारा, और कोई कहते हैं भगवान आपको लीला करने के लिए लीला करने के लिए इस प्रकार इस सृष्टि को बनाया। इसको कहते हैं भोगार्थम क्रियार्थम इति च अन्य, कुछ अलग अलग लोग सृष्टि मन्यन्ते, सृष्टि ऐसा है इस प्रकार मानते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं अन्य सृष्टि, कुछ लोग सृष्टि को ऐसा मानते हैं क्या भोगार्थम क्रियार्थम सृष्टि, ठीक है। अब देखिए फिर टीका में आ जाइए, पक्षयोर अनयोर इति योज्यम, अनयोर पक्षयोर भाष्य में देखिए उसके बाद ही है, मतलब इन दोनों पक्षों का, इन दोनों ही पक्ष का दूषणम देवस्य एष स्वभाव है, दोनों पक्ष का दूषण क्या किया, ये ना भोगार्थ है ना क्रियावत्व है, ये माया के द्वारा प्रतीति होती है, माया के द्वारा प्रतीति होती है, इसलिए बोलते हैं अनयोर पक्षयोर दूषणम देवस्य एष स्वभाव अयमिति। देवस्य स्वभाव पक्ष मास्तु तो स्वाभाविक रूप से होता है, उसका आश्रय करके पहले समाधान दिया। अब सर्वेशां वा पक्षाणाम आप्तकामश्च काष्पिहा, समस्त पक्ष का दूषित क्या करते हैं, आप तो काम पुरुष के लिए क्या स्पीहा होगा, क्या तुम करेंगे कोई काम, वो तो अपने भी पर रहना पसंद करते हैं, इसलिए बताया स्वभाव सर्वे शाम्बा पक्षाना समस्त पक्षों का दूषित क्या करते हैं दूषण आप तो काम का स्प्रिया। अब इसको पट्टिकाकार को देखिए क्या बोलते हैं कि पक्षयोर अनयोर इति योज्यम, दोनों ये दोनों पक्षों का उसमें क्या है देवोत्सव स्वभाव इस प्रकार कहना जी कुछ अन्याय पहले करना, वहाँ पे क्या लिखा है अनयोर पक्षयोर, यहाँ पे क्या लिखा पक्षयोर अनयोर इन दोनों पक्षों का ईश्वरस्य है ना, ईश्वरस्य ईश्वरत्व ख्यापनम सृष्टि रीति एक पक्ष, पहला पक्ष क्या है विभूति ख्यापन करने के लिए, ईश्वर की ईश्वरता को ख्यापित करने के लिए सृष्टि किया गया है ऐसा कोई कहते हैं, ठीक है ना। ईश्वरस्य ईश्वरत्व ख्यापनम सृष्टि, ईश्वर में जो ईश्वरत्व जो भी धर्म है उस धर्म को ख्यापित करने के लिए सबको समझाने के लिए सृष्टि इति एक पक्ष, जो पहला पक्ष देखिए कितने पक्ष बोलते पास, क्योंकि समस्त पक्ष का दूषित एक ही शब्द से हो गया, अब तो काम आपकी है कितना पक्ष बोला, पहला बोलता है कोई ईश्वर अपने विभूति को दिखाने के लिए स्वप्न स्वरूपा माया स्वरूपा व सृष्टि, कोई कहता है जैसे स्वप्न में वस्तु दिखाई देता है ऐसा, कोई कहता है माया जैसे दिखाई पड़ता है, मतलब पैसा दे करके आपको मतलब लगता है कि बहुत मूल्यवान वस्तु है परंतु कुछ काम की नहीं है, ये मायिक वस्तु होते हैं। तो इसी प्रकार बोलते हैं कि माया स्वरूप सृष्टि तीन पक्ष द्वयम, ये दो पक्ष हो गया तो तीन पक्ष हो गया, एक ईश्वर अपने विभूति को ख्यापन करने के लिए स्वप्न पक्ष, एक माया पक्ष, और दूसरे क्या होता है इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि को सत्य संकल्प है, इसलिए बताए ईश्वर से सत्य संकल्प से सृष्टि थी पक्षांतरम, ठीक है ना। एक चौथा पक्ष क्या हो गया ईश्वर जो है आपका सत्य संकल्प है, इसलिए अपना संकल्प में जो भी इच्छा बना सकते हैं, एक और पक्ष है। फिर क्या बोले थे काल से स्वाभाविक रूप से काल परिवर्तन होता है, इसलिए एक पक्ष कालादेव जगत सृष्टि नष्ट रहा, काल से जगत सृष्टि होते जब इस वैदेश बोलते हैं ईश्वर की आवश्यकता नहीं है कर्म से हो जाता है, ये एक पांचवा पक्ष हो गया। ईश्वरस्तु उदासीन, उसके सिद्धांत ईश्वर तो उदासीन है काल से ही काम होता है, तत्र विकल्पांतरम और इस विषय में क्यों सृष्टि बनाया, इस विकल्प में क्या होगा कैसे सृष्टि और होगा क्यों सृष्टि, इसमें विकल्पांतर क्या कहते हैं भोगार्थम क्रियार्थम व सृष्टि, कोई कहता है जीव की कर्म फल भोगने के लिए यहाँ पर सृष्टि किया गया है, तब प्रश्न करो कि कर्म है कि जीव पहले है, जीव पहले कि कर्म पहले, जीव कहाँ से आएगा यदि कर्म नहीं है, तो इसीलिए ये जो बीजांकुर न्याय बोलते हैं इसको, इस बीजांकुर न्याय में
सभी व्यक्ति आके घुटना टेकते हैं, अनादि परंपरा में ऐसा कुछ सभी बातें के लिए समस्या है, कौन पहले क्या बोलेगा। वेदांती तो इसका समाधान देते हैं, एक वृत्त उत्पन्न हो गया, सर्कल एक उत्पन्न हो गया, अपने किसी बच्चे से एक सर्कल को ड्रॉ करा है, आप दूसरे बच्चे को बुला करके पूछो ये बोलो ये कहाँ से सर्कल ड्रॉ करना शुरू किया था, बोल पाएगा। ये सृष्टि चक्र जब एक बार शुरू हो गया कहाँ से शुरू हो गया इसको आप ढूंढना मत, सृष्टिकर्ता को ढूंढने के लिए सृष्टि चक्र को हमने बता दें, बस इतना ही हमारे अभिप्राय है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि तत्र विकल्पांतरम भोगार्थम क्रियार्थम वा, यहाँ पे भोग के लिए सृष्टि हुई अथवा क्रिया के लिए सृष्टि हुई, इसको मैं विकल्प करके सृष्टि के हेतु क्या है, उपादान नहीं है, उपादान तो वहाँ पर हेतु क्या है। यदि फलगतम जब विकल्प तो है मतलब सृष्टि का फल क्या है, प्रयोजन क्या है, फलगतम यहाँ पे दो विकल्प किया था, लास्ट में चा विकल्प द्वयी 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 हलंत यकार हलंत की यकार द्वय विकल्प द्वय द्वयाह द्वयम ना ना विकल्प चलो फलगतम से विकल्प द्वय होना चाहिए क्योंकि उसके साथ अन्य हो रहा है ना, ये हमने हमारे पुराने पुस्तक में देखा, यहाँ भी द्वय लिखा, ठीक है कोई बात नहीं, विकल्प द्वय मैं देख लूंगा इसको, तो पुस्तक नहीं लाया क्योंकि नया पुस्तक में कहीं कहीं थोड़ा जिसके साथ अन्याय होता है ना, यहाँ पे फलगतम च फल के हिसाब से प्रयोग मतलब प्रयोजन के हिसाब से दो विकल्प वहाँ पे, विकल्प द्वय ठीक है, विकल्प द्वय न्यूट्रल जेंडर में है ये, तब ऐसे प्रयोग होगा। यदि विकल्प द्वय जो न्यूट्रल जेंडर में प्रयोग करें ना फलगतम विकल्प द्वय, अच्छा तेषाम एतेषाम सर्वेषाम एव पक्षाणाम, इन सभी वादियों का जितना पक्ष है मतलब सृष्टि के कैसे हुआ उसके लिए पांच पक्ष और क्यों हुआ उसके लिए दो पक्ष, ठीक है ना, सात पक्ष हो गया। तो तेषाम एतेषाम उन लोगों का ये जो जितना एतेषाम सर्वेषाम एवं पक्षणम सभी पक्षों का दूषणम दूषित कर दे उसको निषेध कर दे, कैसे आप तो कहा चतुर्थ पादे न उक्तम चतुर्थ पाद के द्वारा कहा गया इति पक्षांतरम, हमारा वेदांति का मुख्य क्या है कि यहाँ पे आप तो कामस्य कास्पिहा, इसको भगवान भाष्यकार लिखते हैं सर्वेषां वा पक्षाणाम सभी पक्षों का आप तो कामस्य कास्पिहा इति, ठीक है ना, आप तो काम व्यक्ति में क्या स्पृहा हो सकता है, कोई इच्छा नहीं तब इसका पूर्णत्व की परिभाषा ही समाप्त हो जाएगा, इसीलिए ये तो हो नहीं सकता इति। फिर नो खलु आप तो कामस्य परस्य आत्मन मायां बिना विभूति ख्यापनम उपयुज्यते, निश्चित ही खलु है ना आप तो कामस्य परस्य आत्मन, आप तो काम पुरुष जो परमात्मा है माया के बिना अपने विभूति को ख्यापन करने का इच्छा उनके होगा, ये न उपयुज्यते, नो जो लिख रहे हैं ना नो सभी निगेटिव बातें में आता है, ये युक्ति संगत नहीं होता, तो यानी कि माये की है ये। एक न च स्वप्न मायाभ्यम स्वारूप्यम अंतरे न स्वप्न माया सृष्टि दृष्टि शक्यते, स्वप्न अथवा मायु में माया में स्वप्न में अथवा माया में जैसा वस्तु दिखाई पड़ता है यदि उसके साथ एक रूपता स्वरूपता नहीं होती तो इस प्रकार नहीं कहा जा सकता स्वप्न माया स्वरूप, यानी कि सृष्टि प्रथम क्या हो गया माया से ही उस परमात्मा के अंदर अपनी ऐश्वर्य को ख्यापन करने का प्रसंग आ सकता है। और सेकेंड हुआ यदि स्वप्न माया स्वरूप यदि बोला यानी कि सृष्टि में जैसा स्वाप्निक वस्तु सत्य नहीं होता अथवा मायिक वस्तु प्रलोभित करते हैं परंतु पारमार्थिक नहीं होता ऐसा ही सृष्टि है इसमें उपयोगिता नहीं है, इसलिए बोलते हैं न चाह स्वप्न न चाह अलग करते हैं स्वप्न मायाभ्याम स्वरूप स्वप्न और माया के साथ एक रूपता नहीं होगा तो हम नहीं कह सकते हैं कि स्वप्न माया स्वरूप यदि है ना ये स्वप्न रूप है अथवा माया रूप है ऐसे मानना पड़े स्वरूपांतरण स्वप्न माया सृष्टि अष्टुम शक्यते अवस्तुनोर एव तयोर तत्शब्द प्रयोग, क्योंकि जो वस्तु नहीं होता है अवस्तु जो पारमार्थिक नहीं है प्रतीति मात्र अवस्तुनोर एव तयोर अनंत मतलब स्वप्न जाग स्वप्न और माययोः स्वप्न माययोः ये दोनों का तत्शब्द प्रयोग है उसके लिए स्वप्न माया शब्द का प्रयोग होते हैं। आपके पुस्तक में इस पन्ने में कितना टिप्पणी है, दो टिप्पणी, दो नंबर कहाँ पे है, किस दो नंबर टिप्पणी में क्या लिखा है, यही जो हम पढ़ रहे हैं ना अवस्तुनोर एव तयोर तत्शब्द प्रयोगात, इधर लिखना पड़ेगा ठीक है ना अवस्तुनोर एव तयोर तत्शब्द प्रयोगात,
जो पारमार्थिक वस्तु नहीं है, इस प्रकार की जो दो प्रकार की कथा बात है, स्वप्न तथा माया, उन्हीं को जो यहाँ पे तत्शब्द के द्वारा कहा गया, स्वप्न और माया शब्द के द्वारा कहा, इसलिए भक्त ने तत्शब्द भी स्वप्न माया शब्द इति अर्थ, ठीक है। दो नंबर टिप्पणी यहाँ पे लगाना पड़ेगा, पीठ नहीं है वहाँ पे। अवस्तु न रे बतायो तत्शब्द प्रयोगात् न च परमानंद स्वभावस्य परस्य बिना माया इच्छा संगच्छते। आरमार्थिक आप्तकाम पुरुष, पूर्ण पुरुष, उसके अंदर कुछ इच्छा उत्पन्न हुई, यदि आप ये कहना चाहते हो तो माया के बिना ये कहना युक्ति संगत नहीं होता। अतः बिना मिलकर के न संगच्छते, आपका कथन एक साथ मिलकर नहीं चल सकते हैं। न च परमानंद स्वभाव से परम आनंद स्वभाव वाला पूर्णता की जो आनंद भूमानंद में बैठा हुआ परमात्मा, बिना माया, माया के बिना इच्छा न संगत उसमें होना संभव नहीं है। नहीं तस्य स्वतः अभिक्रियस्य इच्छा विभक्तम युक्तम, जो सर्वथा अभिकारी वस्तु है उसकी इच्छा तो एक विकार है। इच्छा क्या है? एक विकार है, मानसिक विकार है। तो जो अभिकारी पुरुष है उसके अंदर इच्छा कहाँ से हो जाएगी? ये आप तो कामस्य काश प्रिया यदि आप मानते हैं तो प्रदेश प्रिया है तो माइक है, मतलब पारमार्थिक नया प्रकृति मात्र हो रहा है, ठीक है ना। और जो अभिकारी तत्व है उसके अंदर कोई इच्छा हुआ मतलब कह जाएगा भिकारी हो जाएगा, इसीलिए उसको उसके अंदर इच्छा ऐसा नहीं मानी है, ये कहना चाहते हैं। नहीं तस्य अवस्तुनोर एव तयो तत्शब्द प्रयोग न च परमानंद स्वभावस्य परस्य बिना माया इच्छा संगच्छते। नहीं तस्य स्वतः अभिक्रियस्य, वो जो परमात्मा जो स्वाभाविक रूप से अपने अभिकारी है, इच्छादि भक्तम, इच्छादि को भोग करने वाला, न युक्तम, उसमें ये होना भी युक्ति संगत नहीं है। और न च मायाम अंतरेण भोग क्रियेत उपपद्येते, और माया के बिना मतलब कोई प्रतीति मात्र वास्तविक नहीं होना, मतलब ये अज्ञान के बिना उसमें भोग अथवा क्रिया ये दोनों ही युक्ति संगत नहीं होता। न च मायाम अंतरेण, माया के बिना भोग क्रीड़े द्विवचन है, भोगश्च क्रीड़श्च भोग क्रीड़े, ठीक है। यहाँ पे क्रीड़ स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे रमा रम होते हैं, फलम फले नहीं है। भोग क्रीड़े तस्य उपपद्येते, मतलब परमात्मा में ये दोनों ही युक्ति संगत नहीं होता माया के बिना। ततो मायामयी भगवत सृष्टि इति अर्थ, इसलिए निश्चय करो भगवान की जो सृष्टि है ना, जो सृष्टि मानने वाले, ये मायिक सृष्टि, इसमें पारमार्थिकता नहीं है, प्रतीति मात्र। ततो इसके फलस्वरूप, मतलब जो भी कुछ आपने धर्मों के यहाँ पे दिखाया, इच्छा मात्र ऐश्वर्य ज्ञापन करने के लिए, खेलने के लिए अथवा भोग के लिए जो भी कुछ कहो, ये सभी उस परमात्मा में, निष्क्रिय परमात्मा में माया के बिना होना संभव नहीं है, इसीलिए ये मायिक सृष्टि ऐसा निश्चय करता। तो मायामयी भगवत सृष्टि रीति अर्थ है, इसका विपरीत अर्थ है। ये जो कहा गया था जब उक्तम कालात प्रसूति भूतानाम इति तत्र आह, ये जो कहा गया था जीव की सृष्टि कैसे हुई, काल चिंतक, काल से समय आने पर सब अपने आप ही हो जाते हैं, समय आने पर सब अपने आप ही हो जाते हैं। ये लोग कहने वाले थे जब उत्तम कालात प्रसूति भूतानाम इति, ये जो कहा था काल से ही भूतों की उत्पत्ति होता है समय आने पर, इति तत्र आह, इसके उत्तर में भगवान भाष्यकर बोलते हैं, अब भाष्य के लास्ट है, नहीं रज्ज्वादीनाम अविद्या स्वभाव व्यतिरेकेन सर्पादि आभासत्य कारणम सबकम वक्तुम, ये काल से होता है, इच्छा से होता है, ये कुछ नहीं है, अधिष्ठान तत्व की अज्ञान ही सृष्टि अथवा बंधन के लिए हेतु है, इसलिए बोलता है क्योंकि न को अलग ले जाता है, न सबकम वक्तुम वहाँ पर नहीं होगा कि ही, मतलब क्योंकि रज्ज्वादीनाम, रज्जु हो, सुप्तिका हो, स्थाणु हो, अच्छा मरुभूमि के बालू, इन लोगों का अविद्या स्वभाव व्यतिरिक ना, इस अधिष्ठान तत्व के अज्ञान को छोड़ करके सर्पादि आभा सत्य, उसके ऊपर दिखाई देने वाला रज्जु सर्प, चांदी, पानी अथवा आपका जो है पुरुष, ये जो दिखाई देने वाला एकमात्र अधिष्ठान के अज्ञान के बिना होना संभव नहीं। इसलिए क्या हो गया कि अब मतलब अज्ञात ब्रह्म को ही हम माया बोलते, अज्ञात ब्रह्म का माया समझ में आया, अज्ञात ब्रह्म ही माया हो, क्योंकि बोला जितना सृष्टि आपको दिखाई दे रहा है माइक है, इसका पीछे से भगवान भाष्य का स्पष्ट बोला है यहाँ पे, इसीलिए ये ध्यान देखना। नहीं रज्ज्वादीनाम अविद्या स्वभाव व्यतिरेक न, रज्ज्वादि के अज्ञान की स्वरूप को छोड़ करके सर्पादि आभा सत्य, उसके ऊपर सर्पादि का प्रतिदि में अनदुष्ट कोई भी कारण हम सबको न वक्तु, और कुछ भी कारण वहाँ पे नहीं है, और कुछ भी कारण बोल हम नहीं बोल सकते।
उसी को बोल रहे हैं देखिए कि अधिष्ठान भूत रज्वादीना स्वभाव शब्दित स्व अज्ञानात एव सर्पाद्याभासत्तम। ठीक है ना, जो भी कुछ अधिष्ठान रूप है, अधिष्ठान के बिना भ्रांति होना संभव नहीं है। अधिष्ठान भूत मतलब अधिष्ठान रूप रज्वादीना, रज्जु सुक्तिका भूज आपका, फिर ठूट और आपका बालू का मरीच, ये चाहे आधिपत को ग्रहण हो जाएगा। अधिष्ठान भूत राज्यादि नाम स्वभाव शब्दित, वो स्वभाव क्या है, स्व अज्ञान स्वभाव इसी को कहा है ना, वो वहाँ पे वेदांति को देवस्य स्वभाव, ये स्वभाव क्या है, अधिष्ठान तत्व का अज्ञान को स्वभाव बोलते हैं यहाँ पे। स्वभाव शब्दित स्व अज्ञान देवो मतलब अधिष्ठान तत्व की अज्ञान से ही सर्पादि आभासत्तम, जगत की प्रतीति रज्जु के ऊपर सर्प की प्रतीति के समान, रज्जु में सर्प जगत की मतलब अधिष्ठान शुद्ध चेतन के ऊपर जगत की प्रतीति होते आभासत्तम। ये जैसा दृष्टान्त है ये अपने आप दृष्टान्त में घटा करके दिखाते हैं। तथा परस्य परमात्मा का स्व माया शक्ति वशा, अपने ही माया शक्ति के बल से, ये माया शक्ति क्या है, स्वरूप के अज्ञान के कारण क्या होता है, संपसाद आकाश आदि आभासत्तम, उसी के ऊपर आकाश आदि की प्रतीति होने लगती है। आकाश आदि की प्रतीति हम तब क्या बोलते हैं, आकाश भावापन्न ब्रह्म, सर्प भावापन्न रज्जु, सर्प भावापन्न रज्जु, इसी प्रकार आकाश भावापन्न परमात्मा अधिष्ठान है ना, यही यहाँ पे यही यही माया की महिमा है, यही जो है अज्ञान की महिमा है। अधिष्ठान भूत रज्वादीना स्वभाव शब्दित स्व अज्ञान, स्वभाव शब्दित अपने अज्ञान से ही सर्पादि आभासत्व, जैसे दृष्टान्त है उसी प्रकार दृष्टान्त में। तथा परस्य परमात्मा का जो अधिष्ठान भूत है स्व माया शक्ति मतलब अपनी माया शक्ति से आकाश आदि, उसको आकाश आदि रूप में परमात्मा प्रतीति होते आभासत्व, इस प्रकार रज्जु सर्प आदि रूप में प्रतीति होते हैं। क्यों, रज्जु तत्व अधिष्ठान के अज्ञान के कारण। आत्मादि आकाशत्व तो कहाँ पे मिला, आपको सुधी बोलते हैं आत्मन आकाश सम्भूत है ना, तस्माद वही तस्माद आत्मन आकाश सम्भूत, या भी आपका तैतीय उपनिषद है आत्मनागित्यादि श्रुते है ना, ब्रह्मानंद वल्ली का पहले मिला है। न तो कालस्य भूत कारणत्वम, आप केवल मात्र काल में सृष्टि की कारणता है ये आप नहीं कह सकते, कहीं भी नहीं दिखा गया। समय आने पर सृष्टि तो उत्पन्न होते हैं, परंतु वो जो सृष्टि आपका क्या होता है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे चेतन तत्व तो बैठा हुआ है, चेतन तत्व तो इसलिए बोलते हैं। न तो कालस्य भूत कारणत्वम, काल में भूत उत्पत्ति के कारणता नहीं बैठ सकते हैं, क्यों, इस विषय में भी प्रमाण नहीं मिलता है, कोई भी वादी नहीं आता, शास्त्र ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा इसका। ना समय आने पर पेड़ पौधा में फल फूल समय से आ जाते, इस विषय में कोई शंका नहीं है, तो सृष्टि का मूल कारण यहाँ से आप नहीं कह सकते, इसलिए होता है न तो कालस्य भूत कारणत्वम प्रमाण, काल भूत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि इस विषय में कोई भी शास्त्र प्रमाण नहीं है, कोई भी शास्त्र प्रमाण नहीं है। अब बोलेंगे क्यों जी, प्रलय काल और उत्पत्ति काल, काल में काल के सापेक्ष होता है, प्रलय काल में नाश होता है, पर यही काल का निरूपण कौन करते हैं, इसे काल अपने आप तो कुछ निरूपण नहीं कर सकते। मैं कल बताया था कि काल और आपका स्थान ये कार्य कारण के सापेक्ष में सब कल्पना किया गया है, एक ही स्थान में एक ही काल में दो घटना नहीं घट सकता, एक ही स्थान में एक ही काल में दो घटना नहीं घट सकता, तो आपको वो घटना के लिए आपको दो स्थान चाहिए है ना, तो मतलब कोई घटना होता कार्य कारण भाव, और एक ही काल में, तो काल के सापेक्ष में आपने एक काल में करना है तो आपको दो स्थान को कल्पना करना, ठीक है ना, एक स्थान में करना है तो आपको दो काल की कल्पना करना पड़ेगा, एक स्थान में करना है तो दो काल की कल्पना करना पड़ेगा, एक काल में करना है तो दो स्थान की कल्पना करना, क्या करना, कार्यकरण भाग करने के लिए, ये सब सापेक्षिक है, इसीलिए जो निरपेक्ष रूप से सिद्ध नहीं हो सकता वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार उसका पारमार्थिक सत्य नहीं मानते, जो निरपेक्ष रूप में स्वमहिमनी प्रतिष्ठित आत्मा किसी के साथ सापेक्ष से सिद्ध नहीं होता, इसलिए वही एकमात्र पारमार्थिक सत्य या हमारे वेदांतिक। इस प्रकार से अभी तक जो है ये नौ कारिका के द्वारा जो पहले छह मंत्र कह कर गया उसमें जो चीज थोड़ा सा और खोल के कहना चाहिए था वो यहाँ पे वास्तिकाचार्य ने कह दिया। अब क्या होता है, आपको वहां पे क्या बोला था, स्वयमात्मा चतुष्पाद बोला था ना,
तो उसमें तीन पद निकल गया। तीन पद में क्या होता है, पद्यते अनेन इति पाद, जिसके द्वारा चल के पहुंचा जाता है उसको पाद कहा जाता है, पैर को पाद। और पद्यते इति पाद, जहाँ पे पहुंचा जाता है वो पाद है चतुर्थ पाद। अब तीन पाद के ऊपर चलना कैसे वो तो दिखाया। अब चतुर्थ पाद में जो जिसके बारे में कथन करो, पाद क्या वस्तु। अब मान लीजिए हमने चार व्यक्ति को यहाँ पे लाया, चार व्यक्ति को ला करके बोलते हैं देखो इसमें से एक व्यक्ति जो है चार वेद की ज्ञाता है, ठीक है ना। तो अब ये चार वेद की ज्ञाता नहीं है, ये चार वेद की ज्ञाता नहीं है, ये चार वेद की ज्ञाता नहीं है, ये जब हम कह देंगे तो अब क्या हो जाएगा कि जो बचेगा वो अपने आप ही चार वेद की ज्ञाता हो जाएगा। इसके लिए अलग करके कहने की क्या आवश्यकता है। यहाँ पर शब्द निषेध मुख से बोलेंगे, यहाँ पर शब्द निषेध मुख से बोलेंगे। अलग करके बोलने की अभिप्राय मुख्य रूप ये रहता है कि तीनों काल में ही वो वस्तु वहाँ पर नहीं है। जब आप निषेध कर देंगे, निषेध का अभिप्राय क्या होता है कि तीनों जिस समय आपको वो समझ में आ रहा था कि अंतप्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ अथवा आपका आनंद प्रज्ञान घन, ये जिस समय आपको समझ में आ रहा है उस समय भी आत्मा में इस प्रकार बहिष्प्रज्ञता अंतप्रज्ञता कुछ भी नहीं है, वो तो उपाधि की महिमा है। इसको निषेध करने के लिए अब जो है हमारे पास चतुर्थ मतलब चतुर्थ तुरीय जो है उसको समझाने के लिए अगला मंत्र आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए टीकाकार उपोद्घाते हैं, पाद त्रये व्याख्याते क्रमवशात प्राप्तम चतुर्थम पादम व्याख्यातम व्याख्यातुम उत्तर ग्रंथ प्रवृत्ति इति आह। पाद त्रये व्याख्याते सती, तीन पाद का व्याख्यान हो गया ना। अब क्रम से क्या प्राप्त होता है, चतुर्थ व्यक्ति के बारे में बोलना है आपको। प्रथम बोलते हैं क्रमवशात, क्रम से जो प्राप्त हो रहा है चतुर्थम पाद, चौथा पाद है जिसको तुरिया समझेगा, व्याख्या तुम उसको व्याख्यान करने के लिए उत्तर ग्रंथ अगला ग्रंथ भाग की प्रवृत्ति हो, ठीक है। देखिए भाष्य टीकाकार बोल दिया, अब भाष्य में आ जाइए, चतुर्थ पाद क्रम प्राप्त वक्तव्य, ठीक है ना। जो चौथा पाद है अब क्रम से प्राप्त हो रहा है उसके बारे में कथन करने का, इसलिए चतुर्थ पाद क्रम प्राप्त, क्रम से प्राप्त हो गया चतुर्थ पाद उसके बारे में अभी कहना चाहिए वक्तव्य इति आहुज मन में रखते हुए। यहाँ पे श्रुति कहेगी नान्त प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञा न उभयत प्रज्ञा, ठीक है ना। मंत्र को पहले पढ़ लेते हैं अथवा उपघात तक आ जाते हैं पहले, ठीक है। मंत्र को पहले पढ़ लेते हैं, मंत्र को देखिए तो भाष्यकार यहाँ पे बोला न अंतप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं न अंतप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञान घनं न प्रज्ञान घनं न प्रज्ञं न प्रज्ञं न प्रज्ञं न प्रज्ञं अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अक्राह्यम् अलक्षणम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एक आत्मप्रत्ययसारम् एक आत्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्च उपशमम् प्रपञ्च उपशमम् शान्तम् शिवमद्वैतम् शान्तम् शिवमद्वैतम् चतुर्थम् मन्यन्ते चतुर्थम् मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः स आत्मा स विज्ञेयः न अन्तप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं न उभयप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न प्रज्ञं अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। परमार्थिक दृष्टि से स्वरूप श्रुति उन आत्मा स्वरूप का निरूपण करते हैं न अंतप्रज्ञम। अंतप्रज्ञ मतलब क्या हो गया, जो स्वप्नावस्था वो तो अंतप्रज्ञ में आपका स्वप्नावस्था संस्कार को देखते हैं। न बहिष्प्रज्ञम, बहिष्प्रज्ञ में क्या होता है आपका इंद्रियों के माध्यम से भारी वस्तु को देखते हैं। अंतप्रज्ञ मतलब आप अपने संस्कार को देखना सीखे सूक्ष्म दृष्टि से, और
अब बहिष्प्रद का मतलब बाहर से कौन वस्तु ग्रहण या अपसाधन अवस्था को लेकर बाहर से क्या ग्रहण या क्या साधन प्रद वास्तविक न अंत प्रज्ञता है न बहिष्प्रज्ञता आत्मा न आत्मा बाहरी वस्तु के साथ कोई संबंध रखता है ना अंत अंदरूनी वस्तु का आत्मा में कोई संस्कार नहीं है संस्कार तो चित्त भूमिका है ठीक है ना बाहरी कोई वस्तु न उभय तो प्रज्ञा एक अंतराल अवस्था जागृत और स्वप्न के बीच का अवस्था दोनों के बीच का अवस्था जागृत से स्वप्न में जाने से बीच में जो स्थिति होती है ये समझ में आएगा आपको कोई एक नया स्थान में चले जाइए नया स्थान में जाने से क्या होता है आपने रात को मतलब कुछ भी देख करके अंधेरे में पहुंचा उस समय उत्तरकाशी के भक्ति चले गए थे आप थके हुए थे कुछ भोजन कर खा के सो गए अब आदत है सुबह उठने का उस समय तक भक्ति नहीं आई अब आपके अब आपकी समस्या को सोचिए आप कि ना अंत प्रज्ञ ना बहिष्प्रज्ञ मैं कहाँ हूँ क्या हूँ कुछ भी पता नहीं लग रहा है आपको केवल अस्तित्व मात्र है ना ये अब समझने के लिए मुख्य स्थिति में आपको अंतर प्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ समझ में आएगा न प्रज्ञान घन जो सुषुप्ति अवस्था में जो स्थिति होती है ना कि समस्त चीज बीज रूप में आ जाता है ये भी नहीं है न प्रज्ञ न अप्रज्ञ मतलब क्या है कि उसमें आप वो समस्त ज्ञान वाला है और कुछ भी ज्ञान नहीं है दोनों ही नहीं किया जा सकता है ना दो पूरा ज्ञान वाला है अथवा ज्ञान नहीं है कोई भी शब्द प्रयोग नहीं होता है ना ज्ञानी की ज्ञान वाला कुछ नहीं होता तो क्या है अदृश्यम मतलब अदृश्यम मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता देखा नहीं जाता तो कभी भी किसी इंद्रिय ग्राह्य नहीं है ठीक है ना दृष्टम शब्द के द्वारा क्या बोल दिया वो इंद्रिय गम्य वस्तु नहीं है जब इंद्रिय गम्य वस्तु नहीं है तो फलत क्या हो जाएगा उसके द्वारा कोई व्यवहार उससे कोई व्यवहार नहीं किया जा सकता व्यवहार मतलब जिस प्रकार ये लीजिए ये पेट लीजिए अथवा लिख रहा है ये व्यवहार होता है उससे कोई व्यवहार नहीं होता ना लेन देन ना कोई काम कुछ भी नहीं होता अब व्यवहार क्यों अग्राह्यम उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता जिसको ग्रहण किया जा सकता है दिया दिया लेन देन किया जा सकता है इस प्रकार व्यवहार हो तो होना भी संभव नहीं है तो समझेंगे कैसे बोलते उसका समझे से यही समझेंगे कि उसको नहीं समझा जा सकता है उसको समझने का उपाय क्या है कि जिस प्रकार के अन्य वस्तु को समझने के लिए हम इंद्रियों की प्रयोग करते हैं वो व्यापार को बंद करते हैं नहीं उसका समझने का उपाय है उसका कोई लक्षण नहीं है कोई लक्षण नहीं है कि सबका संबंध लक्षण शक्ति वृत्ति से जो अर्थ होता है उसके साथ संबंध रख करके तब लक्षण होती है इसका तो किसी के साथ कोई संबंध नहीं अकेला है तो इसके लक्षण कैसे करेंगे ये अलक्षण अलक्षण जिसका कोई लक्षण नहीं हो सकता आज जब लक्षण नहीं हो सकता तो चिंता भी कैसे करेंगे जब चिंता नहीं हो सकता तो उपदेश भी कैसे करेंगे इसके बारे में उपदेश भी नहीं होता अचिंतम अव्यपदेशम तो है क्या एक आत्म प्रत्यय सार बस मैं हूँ बस इतना ही मात्र है अपने अस्तित्व को जो हम समझते हैं आत्म मतलब मैं आत्म मतलब अपनी एग्जिस्टेंस अपनी प्रत्यय मतलब एक फीलिंग हाँ मैं हूँ बस इतना ही मात्र एक आत्म प्रत्यय सार प्रत्यय मीन्स योर मीन्स कॉग्निशन टू सम एक्सटेंड एक इसका अंग्रेजी शब्द ढूंढना मुश्किल है प्रत्यय मतलब कहते आपके अंदर जो एक निश्चय रहता है वो कि मैं हूँ इस विषय में किसी को कोई से पूछ कर देखो छोटा भाई हाँ मैं हूँ किसी का कोई शंका कभी नहीं होता आप कोई शरीर को लेकर के बोले कुछ को लेकर के बता अलग है बस अपने अस्तित्व को लेकर के शंका वही आत्म प्रत्याशा वही इसका साथ करते हैं और ये अनुभव कब आएगा प्रपंच उपशम जब विस्तार मन की विक्षिप्त जब कम हो प्रपंच को इसमें अपने में समेट लेते हैं प्रपंच उपशम फल तो क्या हो जाएगा शांतम शिवम अद्वैतम शिवम भेद रहित ही कल्याणकारक ठीक है ना भेद रहित ही कल्याणकारक हम शांतम शिवम अद्वैतम ये मतलब ये शांत है मतलब विक्षेप नहीं है क्यों द्वैत में विक्षेप है अद्वैत में कोई विक्षेप नहीं है भेद रहित में कोई विक्षेप नहीं है इसी को ही चतुर्थ माना जाता है मन्यन्ते ये चतुर्थ नहीं है जब कोई नहीं है चौथा कहाँ से आएगा प्रपंच में से चौथा कहाँ से वो देख ही तत्व है स आत्मा वही आपका स्वरूप है वही हम सबका स्वरूप है स विज्ञेय यही एकमात्र संसार में जानने लगते हैं बाकी सारा आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य विद्या श्रोतव्य मैत्री मैत्री ब्रह्म बोलते हैं यहाँ पे एक शब्द शब्द बोला यही आत्मा है और यही संसार में जानने योग्य वस्तु है स विज्ञेय ठीक है
ये सामान्य अर्थ हुआ। देखिए भगवान भाष्यकार को विशेष इसमें क्या बोलते हैं, तो आप देखिए इसके ऊपर भाष्यकार उपोद्घात क्या दे रहे हैं। तो चतुर्थ पाद क्रम प्राप्त वक्तव्य इति आह, उसके मन में रखते हुए क्या बोले थे ना, अंत प्रज्ञ इत्यादि ना, सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात् तस्य शब्द अनभिधेयत्वम् इति विशेष प्रतिषेधेन एव चतुर्य निर्दिदिक्षति। ठीक है ना, निर्दिदिक्षति क्रियापद है, निर्देश करने की इच्छा करती है, तो कर्ता कौन होगा इसका, श्रुति, करेक्ट, बिल्कुल श्रुति, इसका कर्ता है श्रुति। सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्व, शब्द प्रवृत्ति के निमित्त होता है जाति गुण क्रिया संबंध अथवा रूढ़ी, रूढ़ी में शब्द प्रयोग हो रहा है, शब्द प्रवृत्ति के निमित्त होता है या तो रूढ़ी पहले से चलता रहे अथवा जाति गुण क्रिया संबंध हो, तब जगह पे शब्द प्रवृत्ति होता है। इसका ना कोई जाति है, अनेकों में रहने वाले धर्मों को जाति बोलते हैं, न ये निर्गुण है और इसमें कोई क्रिया भी नहीं है, अकेला है तो संबंध भी नहीं है। तो जाति गुण क्रिया संबंध अथवा रूढ़ी में किसी प्रकार का शब्द प्रयोग इसके लिए नहीं होता, इसलिए बोलते हैं सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात्, समस्त शब्द प्रवृत्ति के जो निमित्त है उस निमित्त से रहित होने के कारण, शब्द प्रवृत्ति के निमित्त से रहित होने के कारण तस् शब्द अनविधेयत्व, इसीलिए उसको शब्द के द्वारा नहीं कहा जा सकता। और श्रुति मतलब श्रवण करेंगे, श्रवण क्या करेंगे, शब्द के श्रवण करेंगे। अब श्रुति के पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, तो क्या श्रवण कराएगी श्रुति, तब क्या होगा, जो हम दुष्ट जान रखे हैं आप श्रुति उसके बारे में तो नहीं बोल सकते, तो क्या बोल सकते हैं, जिसको आपने जान रखा समझ रखा ये वो नहीं है, उससे भिन्न है, यही एकमात्र बात में सब रास्ता बचा हुआ है ना, यही रास्ता उपाय नहीं है कोई, यही इसलिए बोलते हैं कि शब्द अनविधेयत्व इति विशेष प्रतिषेधेन एवं, जितना विशेषता अलग अलग स्थान के लिए दिखाया गया है उस विशेष की निषेध के द्वारा ही विशेष प्रतिषेधेन एवं तुरीय निर्दिदिक्षति, उस तुरीय तत्व को निर्देश करने की इच्छा करती है श्रुति, श्रुति उसकी करता है निर्दिदिक्षति, निर्देश करने की इच्छा करती है श्रुति। अभी जब किसी शब्दों के द्वारा बोला नहीं जाता इसका मतलब वो शून्य होगा, बोलते हैं शून्यमेव तरी तत्, तब तो वस्तु शून्य होगा, तब नहीं नहीं वो ऐसी नहीं है। ठीक है ना, जब जिसको शब्दों के द्वारा कोई रूढ़ी शब्द भी नहीं है, किसी शब्द प्रवृत्ति के निमित्त भी नहीं है, मतलब वो वस्तु नहीं है, ऐसा पहले ही सभी के मन में ही होगा, तभी बोलते हैं कि तब तो कोई वस्तु है ही नहीं है, इसका मतलब वस्तु हो गया शून्यमेव तरी तत्, न ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो जितना विकल्प आपने कर्म है मिथ्या विकल्प से निर्निमित्तत्व अनुपपत्ते, ये जो अलग अलग प्रकार की वस्तु ऐसे इसके पीछे कोई ना कोई निमित्त होना चाहिए, बिना अधिष्ठान के भ्रांति होना संभव नहीं है। अधिष्ठान तो दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु जो भी सामने वस्तु प्रतीति हो रही है उस प्रतीति तो अधिष्ठान के बिना होना संभव नहीं है, इसलिए वो शून्य तो नहीं हो सकता, वो शून्य नहीं हो सकता, क्या है ये नहीं कहा जा सकता, परंतु कोई एक तत्व है ये तो निश्चित, इसी को ये जो सिद्धांत तो है, मतलब प्रतिज्ञा वाक्य है कौन, मिथ्या विकल्प से निर्निमित्तत्व अनुपपत्ते। आपको प्रतिज्ञा वाक्य को पुष्टि करने के लिए आपको क्या देना पड़ता है, दृष्टांत देना पड़ेगा, वो दृष्टांत देना, नहीं रजत सर्प पुरुष मृग तृष्णिक आदि विकल्प शुक्तिका रज्जु स्थानु उषरादि व्यतिरेकेन अवस्तु आस्पदा शक्य कल्पयितुम। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दृष्टांत के द्वारा समझा दिया, रजत कहाँ दिखाई दे रहा है, सुप्तिका के ऊपर, रजत का अधिष्ठान हो गया सुप्तिका, सर्प का अधिष्ठान हो गया रज्जु, चोर अथवा पुरुष का अधिष्ठान हो गया स्थानु, अगर विगत स्थित का अधिष्ठान हो गया उषर देश बजरी उषर सुखा सुखा स्थान उषर जो स्थान, इसको छोड़ करके व्यति नहीं कहना अवस्तु अस्पदा, मतलब शून्य आधार हो, इस प्रकार से आप ये नहीं कह सकते शून्य आधार हो किसका, रजत का अथवा सर्प का अथवा पुरुष का अथवा पानी का आधार कोई अधिष्ठान भेज ले तो कोई नहीं कह सकता, निरस्पदा नहीं हो सकता, ये मुख्य सिद्धांत, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा है कोई बात नहीं, परंतु जो दिखाई दे रहा है उसका अधिष्ठान के बिना होना संभव,
ये मुक्त है, इसलिए श्रुति निषेध को सुसु प्रतिपादन करते हैं। जब शंका उठाया तब तो है नहीं कि कोई उसको शब्द प्रवृत्ति के निमित्त उसका अंदर है नहीं। शब्द प्रवृत्ति के निमित्त या तो रूढ़ी होगा, पांच चीज रूढ़ी जाति गुण क्रिया संबंध, ये उनमें नहीं है। जो यानी कोई वस्तु नहीं है बोलते नहीं, जब कोई वस्तु आपको सामने दिखाई दे रहा है, जगत कार्यात्मक दिखाई दे रहा है, तो कोई ना कोई उसका कारण होगा। अधिष्ठान के बिना भ्रांति नहीं हो सकती, अधिष्ठान तो दे दिया यहाँ पे। इसी नाम बोलते हैं रजत सर्व पुरुष मृग तृष्णि का आदि विकल्प है। जो विकल्प करते हैं है ना, वो सुक्ति का रज्जु स्थान उषरादि व्यतिरेक है ना, ये अधिष्ठान जहाँ पे जैसा विकल्प हो रहा है उस अधिष्ठान के बिना अवस्तु अस्पदा शक्य न शक्य कल्पय तो उसका आप कल्पना नहीं कर सकते। जो निरास्पद मतलब शून्य रूप में हो, उसका अधिष्ठान शून्य होकर उसका कल्पना ये कभी नहीं होगा। कोई ना कोई अधिष्ठान होगा उसके अज्ञानी उस कल्पना का हेतु बनता है। आप देखिए टीकाकार इस पंक्ति के ऊपर क्या बोलते हैं, ननु पाद त्रयवत् विधि मुखेन एव चतुर्थ पादो अपि व्याख्यायत किमिति निषेध मुखेन व्याख्यायते तत्र आह। ठीक है, देखा आप ठीक से छेद करके पढ़ लेंगे, हम पढ़ते पढ़ते आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या बोलते हैं, ननु शंका करना, पाद त्रय विधि मुखेन एव चतुर्थ पाद त्रयवत् तीन पाद के समान। जैसे आप पहले तीन पाद में क्या किया, विधि मुख से आपने से प्रतिपादन किया, तीन पद विधि मुख से प्रतिपादन किया, सप्तांग एक विंशति मुख स्थूल भूख इस प्रकार आपने किया, तो विधि मुख से किया, इसलिए बोलते हैं पाद त्रयवत् विधि मुखेन एव चतुर्थ पाद भी व्याख्या, तो चतुर्थ पाद को भी ऐसे ही व्याख्या करना चाहिए, उस पर करना चाहिए। किमिति निषेध मुखेन, उसके निषेध मुख से क्यों किया जा रहा है व्याख्या, या तो निषेध मुखेन व्याख्या क्यों किया जाता है तत्र आह। इसको उत्तर में कहते हैं सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात्, ये हेतु है उसके पीछे, शब्द प्रवृत्ति के निमित्त से रहित होने के कारण। देखिए यहाँ पे टीकाकार बोलते हैं सर्वानी शब्द प्रवृत्त निमित्तानी, हर प्रकार की शब्द प्रवृत्ति में निमित्त क्या क्या है, षष्ठी गुणाधीन, षष्ठी मतलब संबंध, एक नंबर टिप्पणी में क्या बोला संबंध, संबंध षष्ठी होता है ना, जाति गुण क्रिया संबंध, तो षष्ठी इसलिए संबंध को दिखाने के षष्ठी शब्द प्रयोग कर दिया। षष्ठी गुणाधीन जाति गुण क्रिया संबंध और रूढ़ी, इसी के लिए शब्द प्रयोग होता है, इसलिए षष्ठी गुणाधीनी है ना, ये हो गया निमित्तानी, ये निमित्त है शब्द प्रवृत्ति के निमित्त है आपको रूढ़ी जाति गुण क्रिया संबंध ये पांच। तहिर शून्यत्वात् ये निमित्त से शून्य होने के कारण तुरीयस्य वाच्यत्व अयोगा, इसलिए तुरियों के लिए कोई शब्द प्रयोग होना संभव नहीं है, वाच्यत्व नहीं है उसमें, वाचक शब्द नहीं है इसलिए वाच्यत्व नहीं है उसमें। इसलिए तुरीयस्य वाच्यत्व तुरीयस्य वाच्यत्व अयोगा, फल तो क्या हो जाएगा निषेध द्वारा एव तर निर्देश संभव, इसीलिए निषेध के माध्यम से ही निषेध मुख से उसको समझाना संभव है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, निषेध ये हमको ये सिद्धांत को आपको आनंद के लिए यही काम करते हैं, पूरा वेदांतिक सिद्धांत को पक्का समझा देता है कि हुआ क्या वहाँ पे, क्योंकि शब्द प्रवृत्ति के निमित्त तो उसमें है नहीं, इसीलिए उसको निषेध मुख से ही, मतलब शब्द प्रवृत्ति के जो निमित्त है वो वहाँ पे नहीं आए, इतना ही हम कह सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि वाच्यत्व अजोगा निषेध द्वारा एव तन निर्देशक निषेध के माध्यम बना करके उसका निर्देश किया करना निर्देश संभवती इसी अर्थ ही अभिप्रेत है। दो नंबर टिप्पणी में देखिए निषेध द्वारा प्रसक्त निषेधन शुष्ट अवबोधे वाच्यत्व अनुपयोगा इति अवधेयम, जो प्राप्त हो रहा था उसको निषेध कर देने पर जो बचा हुआ है वो बोध हो जाता है। ये मुख्य ये एक सिद्धांत है। आपने कहा कि मैं चार वेद वाला व्यक्ति को दिखाऊंगा आप लोगों को, कई व्यक्ति बैठा हुआ है, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, जो बचा वही है, ये निश्चय हो जाता है। एक भगवान भाष्यकार ऐतिरी उपनिषद में लिखते हैं, एक कथा लिखते हैं कि एक व्यक्ति थोड़ा सा मतलब अपना पक्का बुद्धि वाला नहीं था, कहीं पर काम वूम करता था, उसका मालिक उनको बोलते थे तुम मूर्ख जा भाग जा, तू मनुष्य नहीं है, ऐसा बोल दिया, क्या बोला मूर्ख तू मनुष्य नहीं है, तो ऐसा अपराध क्या होगा, किसी अपराध करने में बेचारा दुखी हो गया, दुखी होकर के मैं मनुष्य नहीं हूँ ऐसा बोल दिया मेरे गुरु ने मेरे को अथवा मेरे मालिक ने मेरे को, दुखी होकर के जंगल में चला गया, जंगल में जा करके कहीं पर कोई महात्मा के लोग होता ही ऐसा है कि महात्मा के पास जा करके बैठा
बोलता क्या आप मेरे को समझा सकते हैं मैं कौन हूँ? हम मेरे मालिक ने बोल दिया मैं मनुष्य ही नहीं हूँ। तो बोला ठीक है बैठ, एक दो दिन बैठो समझे। तो वो बैठा, बैठने के बाद एक दिन खाने के बाद वो पहले बैठा, वो देखो ये पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है तुम्हारे सामने जंगल में ना, ये तुम हो क्या? बोलते नहीं हो तो मैं देख लूँ पेड़ पौधा है। अच्छा ठीक है, तो ये जो हमारा बाउंड्री वॉल है ये तुमको दिखाई, ये तुम हो क्या? नहीं। ये कुटिया तुम हो क्या? नहीं है। फिर ये जो हमारा कुत्ता पाला है ये तुम हो क्या? नहीं है। ठीक है, ये तुम हो क्या? नहीं है। बोलते चुप हो गया, जितना सामने वस्तु था उसको दिखा कर ये तुम हो क्या? नहीं। बोलते बोलते चुप हो गया। तब ये बोलते हैं भगवान आप तो मैं कौन हूँ ये समझाने के लिए प्रवृत्त हो गए तो चुप क्यों हो गए? तो भगवान भाष्यकार लिखते हैं वहाँ पे, जिस व्यक्ति को सामने का आठ वस्तु दिखा करके कहा जा रहा है कि तुम ये नहीं हो तो क्या होगा? जो बस वही तुम हो, मनुष्य को नहीं बोला। तो यदि उसको उसमें भी समझ में नहीं आता तो कब समझ में आएगा उनको? ये ऐतरेय उपनिषद भगवान भाष्यकार ने लिखा है, यहाँ उसी को छोटे में लिख दिया। प्रसक्त निषेधेना, जो प्राप्त हो रहा था उसको निषेध कर देने पर शिष्ट अवबोध ही, मतलब जो बचा हुआ वो बोध हो जाता है। बातचीत तो अनुपयोगिता, इसलिए वहाँ पर बोलने की उपयोगिता नहीं है, यदि अवधेय ऐसे यहाँ पर समझना चाहिए, ऐसे यहाँ पर समझना समय हो गया। अधिक व्यक्ति है फिर कल देखेंगे, आज तीसरा वाला करना पड़ेगा है ना। उपजन उदन्वतिनो तत्पादौ पावनीयौ भव भय विनतो सर्वभावैर्नमस्ते।